हेलो भाइयों, मैं हूँ आकाश शोवार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप मैं बताया आपको, मेरे पास में आईफोन 12 प्रो और मैं उसी से रिकॉर्ड करता हूँ अपने सारे ब्लॉग्स। सारे तो मैं इतने ब्लॉग्स नहीं डालता हूँ, कुछ ही कुछ ब्लॉग्स डालता हूँ जो कि मैं अपने आईफोन 12 प्रो से रिकॉर्ड करता हूँ। और उस फ़ोन के माइक में पता नहीं तो माइक्रोफोन में क्या दिक्कत हो गई है। जैसे मैं फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में तो आवाज़ दब के रहती है, फिर विद द टाइम ये इंक्रीज़ होती रहती है। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी है, कई भाइयों की शिकायत भी आ रही थी इस चीज़ को लेकर, भाई ओके माइक्रोफोन ख़राब हो गया और स्पीकर भी इसका बहुत कम आवाज़ देने लगा है। लगता है अब इसके हाथ पीले करने पड़ेंगे, इसका समय आ गया है। और मेरे पास पैसा भी नहीं है तो मैं कहाँ से नया फ़ोन ले लूँ। चलो कोई बात नहीं, अब इसको सही भी कराने का टाइम आ रखा है तो अब इसको सही कराऊँगा मैं। आज देखता हूँ इसको सही कराने की। मैं इस इंसान से कह रहा हूँ भाई चल सही कराने के लिए, बट ये इंसान कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना। चल दे भाई। मैंने कब मना किया? तू ही तो कह रहा था कि नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना। मैंने मूवी देखने के लिए मना किया। मैं इसको अगर मैं तो कहता अब इसका मूवी का मना कर दिया तो अब ये नया बहाना लेकर आया कि चलो फ़ोन सही कराना था मुझे तो। अरे फ़ोन सच में सही कराना है यार, दिक्कत हो रही है यार ऐसे। क्या था पिछले जन्म में? मैं कह रहा था कि जैसे ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के ऊपर ये पता नहीं कौन सा पेड़ एक और उग गया है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे बोलते हैं कि ये जो पेड़ था ये पहले इंसान था, तो इस इंसान के ऊपर इसका कोई कर्जा था, ये इसका बिना पैसे दिए ये गुजर गया, इसलिए ये अब इस पर बदला लेने के लिए आ गया। व्हाट सो एवर, किसका किस पे कर्ज था? इस पेड़ इस वाले ने इसको पैसे दिए थे, इस वाले पेड़ ने इसको पैसे दिए थे, इसलिए इसकी छाती पे आके बैठ गया। हाँ तो इसने इसके पैसे चुकाए नहीं। देखना तो इसका कोई वो ही नहीं है, धरवर ही नहीं है, इसका कोई धर पर कुछ नहीं है। जो भी हो भाई, अब देखो इसको थोड़ा उसमें मत लेना कि सीरियस वाले में, जैसा मैंने सुना था बस ऐसा मैंने बता दिया। ले लेते हैं कुछ लोग, ले लेते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स है ना, और अगर आपके पास है माउथ टू माउथ मार्केटिंग है, भले आप डिजिटल मार्केटिंग मत करो, आप सोशल मतलब डिजिटल वही हो गया, वही सी मार्केटिंग मत करो, बट अगर आपके पास में लेडीज़ हैं जो कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर सकती हैं, तो बस आप चाहे एक दुकान में डॉक्टर बन जाओ वहाँ भी आप चल जाओगे। गाड़ी मोटरसाइकिल ये तो चलो इसकी दुकान के लिए, ये बाकी देखो। वाह, ये डॉक्टर साहब हैं, हड्डियों के डॉक्टर, काफ़ी गुड इलाज ही करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कर रही हैं? एक लेडी बहुत तेज तेज चिल्ला रही है अंदर, उसको इंजेक्शन लगा रहे लगते हैं, बहुत तेज़ वाला इंजेक्शन लगा रहा है। डॉक्टर है ये मोच वोच बिठा रहा होगा तो वो इतने बुरी तरह से तो भाई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, इतनी सारी जनता बाहर खड़ी हुई है ये सब सुन रही है उस बेचारी औरत की चीखे। तो इसमें क्या प्राइवेसी चाहिए? दुख दर्द है तो यही, इसी का तो नाम है दुख दर्द यार। बड़े हॉस्पिटल में तो यार एक अच्छा सा कमरा वो तो चोचलू साहब, छोड़ो कुछ नहीं। भाई अभी हम लोग हेयर कट कराने के लिए आए हैं, अभी मुझे पता चला है कि मुझे अपना फ़ोन अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपडेट आ रखा है, मैंने अपडेट नहीं किया, इस वजह से मे भी ये इशू हो सकता है। तो मैं अपडेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ अगर आपके फ़ोन में भी इशू आ रहा है तो आप इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। फिर आप मुझे थैंक यू सो मच आकाश पवार कह के कमेंट करेंगे, थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश, आपने हमारा माइक को सही कर दिया, थैंक यू। मात्र 60 रुपये में भाई हमारे यहाँ पे दाढ़ी और बाल दोनों चीज़ें काट देते हैं, हम दोनों को 120 रुपये हुए। आपके वहाँ पे क्या रेट है दाढ़ी मूछ कटवाने का? जल्दी आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके वहाँ पे महंगाई है या सस्ताई है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा सस्ताई है इस चीज़ में, नहीं तो आप जैसे तू मानेसर में कटवावे वहाँ कितने रुपये के कटे हैं? 50 रुपये की दाढ़ी और बाल 100 रुपये के दाढ़ी बाल, दोनों चीज़न के 100 रुपये लें। वैसे हमारे यहाँ पे अभी तक 50 रुपये लेते थे, 10 रुपये तो इन्होंने अब बढ़ाई हैं, उसमें भी कोई कोई ऐसे 50 ही दे के चले जाते हैं कि कोई बात नहीं 50 नहीं कोई बात नहीं ऐसे। अरे भाई साहब, अरे देखो मैं तो कितना सैड लग रहा था, मेरी दाढ़ी कुछ अलग लग रही है इंसान नहीं लग रही, कितनी बुरी लग रही है जी, सच में कितनी गंदी लग रही है। गंदी मैं तो ऐसे एकदम अभी तो इसको और बढ़ाऊंगा और अच्छी करूंगा, अभी इसको चुप रह तू। गॉड इतनी कड़कती धूप, बादल आए, बारिश आई और चली भी गई इतनी जल्दी। वाओ, ओ जे छे हाई तू ऑडियंस ए पकड़ियो, छे हाई करवान दे, छे हाई टू एवरीवन, हाई कल दो सबको, हाई डेनी नहीं है, हाई कल नहीं है, हाई एवरीवन, आई एम मोजज पवाल,
एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ऐसे ऐसे कह दे, तू भी यूट्यूबर बनेगा ना, ऐसे ही तू भी ऐसे यूट्यूबर बनेगा, बची बची गाड़ियाँ खरीदेगा फिर हैं। ले ये बस उंगली ऐसे पिएगा, दे ये इसको, मेरी उंगली में ऐसे लग रहा है दूध दूध पी रहा है। देखो देखो अरे बेटे, ये मेरी फिंगर है बेटे, फिंगर। ओ ये गाइस, ये वैसे तो हाइजीनिक है, इसको हाइजीन ना समझे। तेरा उंगली कितनी गंदी देखिए, तो ये तेरे को पता नहीं है कैसे हुई थी गाइस, ये एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी में ये खराब हो गई थी। अभी हम जा रहे हैं दिनेश पवार के घर लाला कले। वैसे इतनी धूप दिख रही है, वैसे इतनी कड़ाके की धूप है नहीं कभी, आप कहने लगो अरे बच्चे को धूप में मार रहे हैं। आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ आ जाओ, बंद कर दो। जब आप एक एसी लेते हो तो उसमें आपको एक साल के अंदर 3 फ्री सर्विस मिल जाती हैं, तो पहली सर्विस में इसकी करा लेता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद में फिर जब सितंबर अक्टूबर में एसी बंद होगा, जब इसकी अगली सर्विस करा दूँगा, फिर अगली सर्विस मार्च में लगवा देता हूँ। 10 मार्च इसकी परचेज डेट है। सर्विस वर्विस करने वाले आ गए हैं लड़के, यही लड़का आया था लगाने के लिए भी एसी को, जबकि इसको रास्ता नहीं पता है कि आना कहाँ था, इतना होशियार है ये लड़का। यार अबे तू तो बहुत प्यार कर रहा है यार अपनी मोटरसाइकिल से भाई, सच में मजाक नहीं किया भाई साहब। गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं यार, अभी 7:30 हो रहे हैं और बादल भी आ रखे हैं, देखो हल्के हल्के बादल भी हैं। अभी मैं और अबे आ रखे हैं फार्म पे, वो तो अपनी मोटरसाइकिल को धोने में लगा हुआ है, और भाई साहब पसीने बैठे बैठे को पसीने तर तर होने लग रहे हैं यार यहाँ पे। अभी पूरे दिन भर 1-2 बजे से सो गया, फिर 6 बजे उठ गया अब, क्योंकि भाई साहब मेरे को करनी है नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट आप समझ सकते हैं कि रात भर, रात के आप उल्लू बन जाओगे, फिर अगले दिन सोओगे, फिर उठ जाओगे, फिर सोओगे, फिर उठ जाओगे, फिर सोओगे। नहीं यार क्या हो रहा है यार, ये बेकार होता है नाइट शिफ्ट। ए शिफ्ट होती है जैसे सुबह 6 बजे, उसके लिए 5 बजे जाना पड़ता है, 4:30 बजे उठना पड़ता है, वो भी बेकार होती है। फिर इसमें रात भर जगना पड़ता है, वो भी बेकार होती है। फिर 2 बजे से रात को 10 बजे 11 बजे घर पर पहुँचो, वो भी बेकार होती है, सब बेकार होती है। कोई है अच्छी है? नौकरी छोड़ दे वो अच्छी है। कह रहा है नौकरी छोड़ दे वो अच्छी है, अबे कह रहा है गाइस कि नौकरी छोड़ दे वो अच्छी है। गाइस अबे तो बहुत फनी है गाइस, अबे इज रियली रियली नाइसर गाइस, रियली रियली नाइसर। बीरो अभी तो टाइम हुआ है 12:08, 24 तारीख अगला दिन नाइट ड्यूटी करने के लिए हम लोग आ गए हैं कंपनी में। अभी से नींद आने लगी मुझे तो नहीं आ रही। 6 कैसे बजाओगे बा? मुझे तो नहीं आ रही भाई साहब। अभी हम लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं दोनों भाई मिलके, मैं ये रहा, अभी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, काफी फन हो रहा है, आपको काफी मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं है पर करते रहो चलो।